हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, टीवी की एक बड़ी एक्ट्रेस कलर्स टीवी का जाना माना चेहरा, लेकिन वो इन दिनों है काफी डरी हुई, काफी परेशान, क्योंकि उसका पति रोज मौत से जंग लड़ता है। जी हाँ, जिंदगी और मौत की एक ऐसी जंग जो बहुत ही खतरनाक है। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको टेली टॉकीज पर बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई, लेकिन इस दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कई सारी चुनौतियों का सामना करा और उनकी मुश्किलें भी बढ़ी। और ऐसे में टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी बताया है अपने पति के बारे में। उनके पति फ्रंटलाइन वर्कर हैं और खुद काम्या ने बोला कि उनके पति स्वास्थ्य विभाग में हैं और वो रोज हॉस्पिटल जाते हैं वहां का जायजा लेने के लिए। और अपने इंटरव्यू के दौरान अपने दर्द को साझा करा है काम्या ने। काम्या पंजाबी ने अपने इंटरव्यू में कहा, मेरे पति शलभ डैंग को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और पंजाब के अस्पतालों में चेकिंग के लिए जाना होता था। इस महामारी में भी उन्हें राहत नहीं थी। जैसा टीवी में दिखाते हैं, मैं अपने पति को वैसे ही पीपीई किट पहनकर रोज काम के लिए निकलते देखती थी। ये बहुत मुश्किल होता था। कई बार तो दिमाग में आता था कि मैं उनसे कह दूं कि मत जाइए, मगर काम पर जाना जरूरी था। साफ हो चुका है कि काम्या पंजाबी भी इस दूसरी लहर की वजह से और अपने पति के प्रोफेशन की वजह से काफी ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन मानना पड़ेगा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स ने देश को संभाला है दूसरी लहर के दौरान। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए और अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।